मैलाना में आज नरेंद्र बुडानिया जी पहुंचे है। स्वागत किया जा रहा है नरेंद्र जी बुडानिया का। मैलाना दिखना था हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय नरेंद्र जी बुडानिया के मैलाना दिखना था कि पावन दरवाजे बंद से सभी को निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से स्वागत माननीय नरेंद्र जी बुडानिया उनका पुरुष को नाम से जाने जाते हैं और मैलाना की इस पावन धरा से आपका ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यकर्ताओं का माताओं बहनों का उत्साह वो बेहतर बन रहा है। बस शानदार आपका उत्साह। मैं आगे करूंगा माननीय विधायक जी के साथ राजकुमार जी धन्यवाद पूरे जनपद ग्राम पंचायत में मतदान करते हैं। आगे करूंगा आगे करूंगा अरिजीत जी धन्यवाद आपको बोलते हैं। मैलाना की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व विधायक अध्यक्ष कृष्ण जी साय भागीरथ जी धन्य आपका भी मैलाना के पावन धरा से स्वागत है और विधानसभा प्रत्याशी रहे। अरे बुआ है विधानसभा प्रत्याशी रहे भगवती मेला आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रामसुमित जी भाटिया आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अम्मा आज के कार्यक्रम के लिए आग्रह करूंगा गुरु जी आदरणीय सीताराम जी बैठे थे। मैं आग्रह करूंगा उनका की शादी आज ही मंच से बोलते हैं। मैं पूर्व सरपंच सोना शादी की भाने कुंटू जी चक्रवाल आप भी हमारे गांव में पहुंचे आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माफ करना आज के लाड और प्यार के कारण मैं कटौती कम पड़ गई इसलिए मेरी असुविधा के लिए माफ करना सुंदर आपसे सबको आग्रह करूंगा। स्वागत का कार्यक्रम बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे सपोर्ट रहा है। आपसे माफी चाहते हैं कि हमारा ये चोट है वो व्यवस्था कम है कि आप माफी चाहते हैं। अब मैं स्वागत भाषण के रूप में सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ अपने आप आए और सबको बुडानिया जी को माला पहनाए। मैं ये नाम बोल रहा हूँ वो तैयार तैयार है बलवीर जी मेघवाल। जय श्री नायक खटवा से केंद्रीय प्रधानी का नष्ट करें। जय श्री नायक खटवाल नाम ज्यादा बड़ी चीज है ना जो साइड में पीछे आगे मेहंदर मेघवाल क्या रहे मेहंदर मेघवाल माला के लिए तैयार है लालचंद मेघवाल बहुत बढ़िया इतना उत्साह देखे फिर और मनोज सनो मुंशीराम मेघवाल बाला के लिए तैयार है। मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ वो बाला के लिए तैयार है। शिषपाल सिंह चंदू बाला के लिए तैयार है। शिषपाल सिंह चंदू हरमान लोरा
प्रिंसिपल भाई जी राजपाल हेत्रा जोरदार ताली बजाओ। अमरेश सिंह लोरा तैयार है। अरे भला सिंह पूनिया रामनाथ बांबू हरी सिंह पूनिया शुमेलाना की दोबारा भीड़ मेलाना वासियों की देख सकते हो शानदार माहौल है यहाँ पे। मोदी जी मेलवा देख सकते हो आप सब के ले लो रणजीत सिंह लोहा हरी सिंह पूनिया हमारा के लिए तैयार है। नाम बोलो आज कुर्सी पर आ जाओ तो कुर्सी पर आ जाओ बिल्कुल सतपाल भाई कांग्रेस बोल रहे भाई जयलाल सांसी हनुमान जी मेघवाल जयनाल मेघवाल ओजरिया
मैदान से बोल हो गया। अब कोई साथी रह गए हैं तो माला के लिए अपने इधर से माला डाल रहे जी सौ से गाड़ी वाले लखनऊ जी सौ से गाड़ी वाले जो भी साथी खड़े हैं गाँव वाले बहुत सारे हैं जहाँ भी जगह जगह वहाँ बैठते हैं हेलो दो भाई खड़े हैं उनसे ही बैठे हैं उन सबसे हाथ जोड़ कर मिलती है कि कृपया बैठ जाए ताकि सभा सुचारू रूप से चल सके और माता और बहनों से निवेदना की एक जोरदार नारा लगाए कांग्रेस पार्टी जिंदा आप सब लोग बैठ जाए ताकि हमारे साथ जो नेतागण आए हैं वो आपके सामने विचार व्यक्त करेंगे। गांव की तरफ से सभी गांव की तरफ से एक माला डाले मुकेश सनो से महावीर मुकेश सनो महावीर की तरफ से या जो भी सब सारे गांव की तरफ से बोल रहा हूँ तो सारे गांव की तरफ से माला डाले और जो भी रह गए नए अरे डाल दूंगे आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसमें हमारे अतीत हमारे मसीहा हमारे पुराने समय में किसानों को जो जागीदार थे राम थे उनके नाम तो हमारे बीच में पधारे हुए हमारे विधायक माननीय नरेंद्र जी पुरानिया और मंच पर आसीन सभी मंचासीन कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्ग युवा महिलाएं आप सभी का मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अब मैं
मंच की ओर से बोलने के लिए सबसे पहले धनाराम जी मेघवाल जोधरा से विराजमान है, इनसे निवेदन है कि उद्बोधन दें और शॉर्ट में दें, समय का भाव है क्योंकि समय बहुत हो गए, छोटा सा काम आगे बहुत लंबा कार्यक्रम। रुको भी रुको, सोन आपका बंद के बोले बंद भाई रुको रे। मदाना साहब ने हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र बुगानिया साहब और उनके साथ आए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ग्राम मलाने के सभी समाजों के मेघवाल हो, कुछ भी हो, राजपूत हो, जाकर सबसे मेरा तो आपसे सबसे हाथों निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर सभी विषयों को मनाकर दादा और दादा को लेकर नरेंद्र बुगानिया साहब को नदी बनाए। जय हिंद जय भारत। जय सिंह जी नायक से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और कल बोल ले। जय सिंह जी नायक। मैं सभी गांव का और दिल्ली पंचायत का और भारी पंचायत का पदारेडर है मानु गांव का विधायक साहब और नेक्स्ट वक्त बनने वाले विधायक साहब को भी नमन करता हूँ और आपके काम को भी नमन करता हूँ। इतना टाइम देंगे काम की टाइम में आप लोग पहुंचे हैं। मैं माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि याद करो आज से दो साल पहले आप गरीब आदमी है, आपने अगर बिजली को बिल भरने को नहीं हो तो लोग मीटर पारता अपना सहने याद न मीटर पारता, फिर मीटर जुड़ाने के लिए आपने कितना चक्कर काटना पड़ता। बिजली डिपार्टमेंट को एक सिस्टम है कि बकाया जमा नहीं होने पर मीटर दोबारा लगे को नहीं। अब दो साल में कोई धारकन मीटर पड़ना है तो मीटर नहीं पड़ा रहे तो आपना मीटर कांग्रेस का हाथ पर लगा दो, आपना मीटर हमेशा ही चलता रहेगा। आपने मीटर यही चालू रहे और कोई आवा ही नहीं मीटर देखने इसो काम अपन कर लो है। और यदि कोई गलत फैसलो ले लियो तो मीटर थारा एक तारीख के बाद में पार्टनर काम हो जाएगा। मतलब इस चीज में याद रखे काम कांग्रेस पार्टी घड़ाई रहे हैं, साफ घड़ाई रहे हैं, इतना बताने के लिए अपन टाइम को नहीं और भी बहुत तरह से आगे काम जीता कर दें। उम्मीद हूँ ज्यादा काम नरेंद्र बुडानिया जी करावे ना। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय कांग्रेस जय बुडानिया जी। अपने बीच में विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक मानदीय जी अपने पुराने से निवेदन है। मैं इशारा देता हूँ साथियों, अपने यहाँ नहर आई या नहीं आई है एक मेरा नारा है। मैं बोलूंगा टिपो में पानी डोलेगा, आप बोलोगे नरेंद्र बुडानिया विधानसभा में बोलेगा टिपो में पानी डोलेगा, टिपो में पानी डोलेगा, टिपो में पानी डोलेगा। राहुल नरेंद्र जी साहब एमएलए साहब स्वागत है आपका। मैं दिखना था धरती के ऊपर बोलेगा नहीं बोलना है डोलना पानी डोलना। राम राम भाइयों और बहनों। राम राम आज सुनो आपके गांव से मेरे चुनाव की शुरुआत है। कोई भी शुभ कार्य कोई आदमी कोई करता है तो सबसे पहले अपने परिवार का आशीर्वाद लेता है। वो आशीर्वाद मैंने आपके गांव से शुरू किए है ये मान करके कि मेरा नाम मेरा गांव है। साथियों मेरे भाइयों, जब मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया यहां से
तब मेरे जहन में एक बात थी कि तुम इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, सभी पदों पर रहे हो, तुम तारानगर से चुनाव लड़ते हो, समो सुना रहा, तो ये फैसला करो कि तारानगर के टीमों में पानी लाओगे जाएगा। वो मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए मैंने स्वीकार किया वो चैलेंज हो संघर्ष, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके नहर का 62 किलोमीटर नहर तो बनके तैयार होगी, मैंने उसका उद्घाटन कर दिया। और 60 किलोमीटर पे आज काम चल रहा है। आपके आपसे गांव से बहुत से लोग, बहुत से जो है आपके राजतंत्र पंचायतों के लोग, मेरे पास आए थे। इंदिरा गांधी का जो रेस्ट हाउस है वहां सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, 15 पंचायत हो गए। उन्होंने मुझे कहा, सबने, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, मारवाड़ी बनूंगी जी, समझो अपनी अंतो अपनी अपनी ठीक है। यह सगड़ा बेड़ा होया, हजारों आदमी मन कहो कि बुढ़ानिया जी ये नहर सरदार सर में बांट दी, तारानगर में चारों मेरे घुमा रहे हो, मेरे 15 पंचायत का लोग जगह थाने में पहली बच्चों को प्यार दिए और जे थे राजगढ़ की तरफ मुंह कर दो नहर को, राजगढ़ की तरफ मुंह कर दो तो मैं सगली 15 पंचायत का वोट ठोकना था। बात कही को नहीं, बात कही को नहीं, अब बात कही तो आज धरे नया को काम चालू है। गुरु जी भाई आ कह के मन दिखा दो, तुम दिखा दो सुरत जोड़ा काम चालू है, और जोड़ा सारा अपने काम देते हो किसी को बहुत ध्यान जवाब दे, मेरे साथ नहीं हो तो ये नहर चाहो कोरिया बताओ, ये नहर चाहो कोरिया बताओ, तो सुनो मेरी बात, नहर को काम चालू हो गया, पैर में मैंने पानी लगा दूंगा मेरे लड़ाई के बाद, बैठो 5 साल तक मैं मेरे जी तो काम हो थारो काम चलो, थारे विकास में मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र में मैं 36 फॉर्म अपेक्षित 36 को 36 फॉर्म में सागे लेंगे, हर कौम के लिए मैं काम करेंगे और मैं आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए कृषि महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नहर का काम एक आने वाले पीढ़ी के लिए ही है। आज है मैं जो एससी के बोले में जाता हूं तो मैं बच्चियों से बात करता हूं और उनको पूछता हूं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़े हैं? मैं कह बेटा क्यों छोड़ दी, तेरा नंबर कम आ गए क्या? नंबर तो मेरा 80% आ, 90% आ, तू बावड़ी आके क्यों है? अरे कई कीड़ा
मोटा मोटा कीड़ा फिर तो मैं आखिर लोग एक मेघवाल की बेटी, एक नाइक की बेटी, एक भरत की बेटी, एक संसी की बेटी, इन्हें किस संग अभाव में पटक दीजा आजादी की बात किया। अब दो बात होगी, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मैं कह साहब मेरे क्षेत्र गरीब है और पटे की मेरी बच्चिया पढ़ बोल सके पिछड़ हुआ बाप मजदूरी करे ये खेत है तो कदे अकाल पड़ जाए कदे ओला पड़ जाए कदे क्यों पड़ जाए बच्चिया पढ़ा कौन सके साहब भाई मैं कहूं मैं एक ईश्वर स्कूल सा हुआ खतरे जकी बच्चिया को परवरिश राज्य सरकार में बात है और पा मेरी बात मानी और 5 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कर लिया। क्या तो साल की 200 बच्चिया शुरुआत 200 बच्चिया होकर 100 बच्चिया तो 8वीं तक की और 100 बच्चिया 8वीं ऊपर ली समझ गए थे व्यापारी हो या कोई भी हो पट्टी तो नहीं बड़ा बड़ा कमरा बना दिया बड़ा तगड़ा देखे हो देखे एमजीडी कॉलेज के सारे ये बाको सारा खर्चो एक ढिलो मां बाप को नहीं लगा जानदार पढ़ाई होगी बाकी मैं मेरा एससी का बच्चा बच्चिया है मैं अफसर बनाई बहुत बढ़िया बात है साहब। अब आज मैं इन चालू कर रखी है भी चालू कर दी एडमिशन हो गया इस साल का अब 10 आगे 10 साल का मां कि एससी एसटी समाज की 2000 लड़कियां इसी तैयार हो जाएगी कि खुद आपके पैरों पर खड़ी हो सके जोरदार तालियां। आज मैं दुख हो रहा बैठो एक बात को कि मैं थरे नहर की बात करने लग रहा हूं मैं थरे बच्चा पढ़ने की बात करने लग रहा हूं अब मैं चुनाव के सुनने मिले अरे बैठो नायका में डाल रखी हो अरे भाई थे मेघवाल को डाल रखो अरे भाई थे सरसों में डाल रखो अरे क्यों अरे रात में गुस्से कर गए रात में घुसपैठ करे अब बात तो सच्ची है साहब करें थोड़ी थोड़ी उसको कोई कौन करे तो बना बताओ ये बस घुसपैठिए मैं सागो वैसे हो गए अरे बेटा बेटिया कल्याण करो सभी संग बचो मैं हर एक जान की बाजी लगा के लगाऊंगा मैं देखो एक अशोक गहलोत ने पैसी की चौथी योजनाएं दे रखी है अपने मैं वर्णन बुन करूं मैं किताब ऐसे छपेड़ी है सड़क जीरो फायदा उठा रहा हूं जैसे ही बोल रहे हो मैं तो इतनी बात हूं कि अगर चुनोगा तो सबसे पहला स्कीम है ना जो बिजली आ रही स्वास्थ्य आ रही पेंशन आ रही किट बटन आ रही फोन देने आ रही चिरंजीवी योजना सब बंद कर दी इन्हें तो वो काम हो और दूसरा मैंने एक बात बताओ कि काम तो करे मैं 5 साल जिन रात भाग्य हूं सारे खाते अब चल रहे खाते दूसरा आ गया अब कह गए बड़ा आदमी है तो बड़ा क्यों हो रहे बताओ सही वजन तो मेरे ज्यादा है पग में थोड़ा जला बटो
अच्छे बार एमपी रहे हो, तू अच्छे बार एमएलए रहे, मैं अच्छे बार एमपी दो बार एमएलए हो रहे हूँ, अपना छोटो कूड़े बड्डो कूड़े थे रहे आप एक ही मोटो है मेरे को कितना पांडा ज्यादा है मैं कमाया हूँ सब ज्यादा है अभी क्या वो बांट दूंगा पेमेंट के नड़ा खोले वो रिकटे खोलो जी जाओ तो सही जाओ देखा तो सही वो नाका करने का लवा की बंद है तो कसने कसम धर्म भाई बोल रहे हैं जो बैठ के सारे हाँ हाँ धर्म भाई को बोले बैठ थोड़ी है अरे थोड़ी है बोल रहे हो तो थोड़ी है बोल रहे हैं दाम लेंगे दाम काम करे नहीं देखो बैठो पैकिंग है मैं थोड़ा सा को पास नहीं सुनो पैकिंग में कर्मचारी के ना समूह तू को काट दूंगा देख भाई मन तो धो निकालू आवे बोल पैकिंग ओपीएस बंद कर दिया कम से वो निकाल दिया फोन और करने लग गया माना काम में मेरी जिंदगी में डरना हूँ काम करना हूँ मैं कर कर सकू मैं बुढ़ाई हूँ ये बुढ़ाई इतना चढ़ो ने जहर में पैदा उड़ो कर दियो काम से कसूर में विश्वास होना मैं क्या वोट लेना चाहूँ मैं क्या काम करना चाहूँ डरा के ना वोट लेना चाहूँ ना डरा के काम करना चाहूँ ना सब पे धूम में निकाल कौन सको लेकिन अरे खेत खेत में पानी लगा दूंगा अरे इसके लिए जो है ये कोई पे काम आ गया वो फ्रणो रिश्तेदार आ गयो वो फ्राणियो आ गयो अरे भाईडो ऐसा ठीक फिरा पला ये फिरा पला तो देखिए आवेगा पांच दस पांच दिन तो और सताऊंगा थाने पर ध्यान है वो गिलो उठो भेज दिया दूरा तो भेजती हो दूरा तो भेजती हो देखिए ठगिया के देखिए ठगिया अब तारानगर में है पहल गए पान पड़नी है पहल गए ऋषि जी और सगड़ा मिलके मिल लिया अब कह साहब फाइल ही बंद कर देगा देखो फेस पे ठहरो कैसे विकास तो पसंद करो या विनाश तो पसंद करो ये नहरने पसंद करो या काटना पसंद करो ए, मेरे बहनों जान की बाजी लगा दो सारे खतरे खतरे एक घर घर घूम जाओ सब घर घर घूम जाओ आपने एक वोट ना कर नहीं जा इसी से व्यवस्था कर दे तो वैसे जड़ो चाहिए कि बुढ़ानियों शुरुआत कठू मिल रहे हैं और लोग मिला रहे हैं पैंतीस देखेंगे आश्वस्त कर देंगे हाँ कर दो एक ही वोट करके नहीं पड़ेगा सारा का सारा बुढ़ानी जिला एक दो वोट बहुत बहुत धन्यवाद राम राम का अपने साथ जिंदाबाद शांति शांति
तीनों से पहले जाएगा दिखाई कि नरेंद्र जी बुढ़ानिया को तीनों से पहले के उनका मुकेश पुनिया के द्वारा काम किया है। ग्रामवासी आगो पीछे जाओ, आगो पीछे जीतेगा।